उसी हिसाब से हमारे ट्रांसफार्मर लगते हैं, उसी हिसाब से हमारे जो है सबस्टेशन लगते हैं। और जहां तक मेरे हिसाब से जब आपका बेसिक प्रीमाइस ही फॉल्टी है तो उसके ऊपर जो भी हम अपग्रेड ले रहे हैं वो अपग्रेड जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि एक एक्चुअल लोड है क्या, जिस घर पे जो एक जमाने में एक एक्स लोड था आज वो कितना हो चुका है और उसको अपग्रेड कैसे किया जाए, इसके ऊपर एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। अभी बिजली विभाग ने जो है ये स्टार्ट किया है कि आप अपने लोड्स को अपग्रेड कर सकते हैं या लोड बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि जो खुद कराने जा भी रहा है उसे वो लोड अपग्रेड जो है नहीं किया जा पा रहा। तो पहला तो ये है कि लोड आइडेंटिफिकेशन इज वन इशू जिसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखिए फतेहपुर स्पेसिफिक में हमारी कुछ पंचायतें हैं और ये पंचायतें बेसिकली आपकी रियाली, डूग, टटवाड़ी, रे, स्थाना, कोडल, मछोट, पोड़ियाँ, खटियाड़, दूसरी तरफ आप देखिए तलाड़ा, गारन एक्सेट्रा, यहाँ पर अभी भी लोड की समस्या इतनी ज़्यादा है या वोल्टेज की समस्या इतनी ज़्यादा है। इसके कुछ बेसिक कारण है, जैसे मैंने आपको बोला लोड टू ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर टू सबस्टेशन, सबस्टेशन टू द एक्चुअल सप्लाई विच इज कमिंग। अब इसका जो गैप है, अगर गैप वो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक 132 केवी का जो है सबस्टेशन है फतेहपुर के अंदर, एक हमारे पास 33 केवी जो है वो रैन के अंदर है, बुडूखर वाला हमारा शेड है इंदौरा के साथ 33 केवी वाला, जखबड़ के अंदर हमने नया 33 केवी प्रपोज किया है, लेकिन कुछ कारणों से जो नए टेंडर हैं वो शायद अभी तक हो नहीं पा रहे हैं। तो सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अपग्रेडेड लोड्स के लिए और जो हमारे नए टेंडर्स होने हैं इसमें थोड़ा अगर हम इसको थोड़ा अगर हम एक्सपेडाइट जल्दी कर लें तो शायद हमारी समस्या ये हल हो सकती है। इसके अलावा तीन चार और सजेशन मेरे हैं सर। अगर आप देखिए कि हमारे पास हमेशा बिजली विभाग के पास जो है वो पैसे की शॉर्टेज रहती है, अगर हम बाकी डिपार्टमेंट्स को इसमें इस्तेमाल कर सकें, जैसे कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा हमारे पास महत्वपूर्ण वो है। टूरिज्म के थ्रू क्या है कि जब मैं टूरिज्म को डेवलप करने की बात करता हूँ मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि होटल लगाना है या हमने बिल्डिंग बनानी है, लेकिन अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अगर मैं रख दूँ तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जो जो हमारे एरियाज जो आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फॉर टूरिज्म, उसमें अगर बिजली का इंफ्रा जो है वो टूरिज्म के बजट से अगर आ जाए स्पेसिफिक फॉर टूरिज्म, वो सिर्फ और सिर्फ होटल इंडस्ट्री के काम नहीं आएगा, वो हमारी लोकल पॉपुलेशन के काम भी आ सकता है। सिमिलरली जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उन इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर हमारे पास पावर सरप्लस है या जो हम न्यू इंडस्ट्रियल एरिया जो है हम वो आइडेंटिफाई अगर करके चल रहे हैं तो उसके अंदर भी जो ट्रांसफार्मर्स हैं या उसके अंदर भी सबस्टेशंस जो हैं उनको जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या आसपास वाली आबादी की कंजम्पशन के लिए लगाया जा सकता है, जिससे लोड के ऊपर थोड़ी की थोड़ी जो है इसमें आपकी इशू जो है ठीक हो सकती है। और बाकी एक बात रही सर बजट फॉर रिमूवल ऑफ वायर्स ओवर द हाउस। अब इन्होंने बोला कि किसी ने घर बनाया था और घर पे दूसरी मंजिल वो लगा रहा है। हमारे यहाँ पे क्या है कि ग्रामीण परिवेश में समस्या और भी ज़्यादा है, ज़मीन बहुत ही लिमिटेड है, आधी फॉरेस्ट के अंदर है, आधी BBMB के पास है, बाकी जो ज़मीन है जब अगर मैंने अपना घर बनाना है और वहाँ पर आज से 30 साल पहले जब विभाग ने लाइनें डाली थी तब वो बंजर ज़मीन थी, आज आबादी बढ़ गई है, मुझे अपना घर बनाना है, मेरे पास वही ज़मीन है, जब वो अपना घर बनाना स्टार्ट करता है तो ऊपर फिर तारें टकरानी शुरू होती हैं और उसकी रिमूवल का कोई प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस में बेसिकली किसी प्रकार से अगर कोई बजट कहीं से हम इसके लिए प्रावधान करा सकें, 20-25% हो सकता है हम मतलब जो पार्टी है पार्टी से ले लें, लेकिन वो एस्टिमेट इतने भयंकर बनते हैं कि वो या तो अपना घर बना सकता है या वो मतलब उसके ऊपर से जो है बिजली की तारें हटा सकता है। इसके अलावा बिजली को बचाने के लिए एक और हमारे पास प्रपोजल है, हमारे ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड हो रहे हैं RDSS के अंदर। अब सपोज मेरे 25 ट्रांसफार्मर अपग्रेड हो रहे हैं 25 से 63, 63 से 100 पे, आपसे रिक्वेस्ट ये है सरकार से कि जो अपग्रेडेड जो ट्रांसफार्मर अपग्रेड हुआ इस ट्रांसफार्मर को वापस आप स्टोर में मत भेजिए। इसका क्या होता है किसी को नहीं पता चलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने 25 ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए हैं तो जो 25 को आप ट्रांसफार्मर को अपग्रेड कर रहे हैं इनको आप उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी पंचायतों में लगा दीजिए। इसमें होगा क्या कि अपग्रेड मतलब जहां पर 25 से 63 किया ये 25 वाला जो मेरा बच गया ये कहीं और मेरा यूटिलाइज हो सकता है। सो हमारा जो इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर्स है वो वी कैन एक्चुअली डबल इट अगर इसको हम मतलब इस तरीके से करें कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम बैक एंड सेलिंग दैट एज स्क्रैप दीज कैन बी रीडिप्लॉयड जो जो मतलब वर्किंग कंडीशन के अंदर है। लास्ट थिंग बिजली को बचाना भी बिजली को बढ़ाने के बराबर ही है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो कुछ हमारे स्मार्ट मीटर्स ऐसे हैं, कुछ हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हैं जिनको अगर हम सरकारी महकमों में डिप्लॉय करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बचा सकते हैं। जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम बचाते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सरप्लस होकर हमारे लोड के अंदर काम आती है। देर इज वन मोर टेक्नोलॉजी जिसका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इट कैन हेल्प अस सेव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम है लिक्विड ओजोन।